अब अरुण जबरदस्त क्वेश्चंस पूछेगा। हाँ थैंक यू, थैंक यू आप सब यहाँ पे आए मेरे बर्थडे पे, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। बहुत भसड़ होने वाली है आज। आज सुबह शुरू हुआ है ऐप लॉन्च से, एक तरह से रिटर्न गिफ्ट फॉर एवरीवन हु सेंट मी सच ब्यूटीफुल विशेस। यू गेट अ स्नीक पीक इनटू माय रियल लाइफ फॉर ऑल पीपल हु जेन्युइनली वांट टू नो हु आई एम लाइक इन रियल, क्या मैं सच में ऐसी हूँ कि वैसी हूँ, आपको इस ऐप से पता चलेगा। जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जेन्युइन लोगों के साथ, उनके साथ नहीं जो मुझे ट्रोल करते हैं, वो लोग जो जेन्युइनली जानना चाहते हैं, वो मेरी ऐप पे आइए, मैं आपको अपनी लाइफ, अपनी दुनिया दिखाऊंगी। और ये उससे स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ट्रैवल करूंगी, दिल्ली जाऊंगी अपनी सिटी में, वहाँ स्क्रीनिंग होने वाली है मुल्क की, आज सब मीडिया के लोग देखेंगे मुल्क, और डिनर होगा फैमिली के साथ, वो बेस्ट बात है। और आई होप आज गिफ्ट मिल जाए बर्थडे का, सबके प्यारे प्यारे मैसेज, जब सब लोग मुल्क देखे तो मेरी फिंगर्स क्रॉस है। जो आपके जेन्युइन देखिए, यूजुअली मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होती हूँ, और इस अब ऐप है तो ऐप पे ज़्यादा रहूँगी कंपेयर टू सोशल मीडिया। और टू बिगिन विद, बहुत इंटरेस्टिंग गिव अवेज हैं आपके लिए, सबसे पहले जो मेरे एक्सक्लूसिव मेरे पर्सनल कलेक्शन में से हैं। उसके अलावा आपको मैं, काफ़ी लोग जानते हैं शायद, अभी मैंने मुंबई में नया घर लेके मूव इन किया है, सो आई थिंक टू बिगिन विद लेट मी वेलकम यू ऑल इन माई हाउस बाय पोस्टिंग अ फ्यू पिक्चर्स फ्रॉम माई हाउस, एंड दैट विल बी एक्सक्लूसिव फॉर पीपल हु आर ऑन माई ऐप। तो आप देखेंगे कि मैं, मेरी रियल दुनिया, हर मेरा कैसा है। देखो मैं आप हमेशा बोलती हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मेरी लक लाइन लाइफ लाइन ज़्यादा लंबी है, मैं सबको यही बोलती हूँ, लक बहुत साथ दिया है मेरा अभी तक। बट हाँ, हार्डवर्क को मैं इतना क्रेडिट दूंगी कि मैंने कोई अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं होने दी। चॉइस, हाँ वो उसका थोड़ा बहुत क्रेडिट लेना चाहती हूँ कि चॉइसेस ऐसी करी कि मुझे कहीं विश्वास था कि मेरी जनता नोटिस करेगी कि मैं कुछ क्वालिटी और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क आपके सामने लेके आना चाहती हूँ, वो लोग नोटिस करने लग गए हैं। हम तो उसके लिए थैंक यू सो मच, मेरे को मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी लक के बिना हार्डवर्क वेस्ट है, और अगर हार्डवर्क ना करो लक आपका साथ नहीं दे सकता। आई थिंक दोनों साथ में चलने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा ठीक है, आप बोलिए बोलिए बोलिए। देखो नेपोटिज्म इज पार्ट ऑफ द गेम। मैं जब इंडस्ट्री में आई थी, ऐसा नहीं था, मुझे पता नहीं था नेपोटिज्म होगा कि नहीं होगा, नहीं मुझे पता था होगा, और मुझे, मैंने फिर भी डिसाइड किया इंडस्ट्री में आना, मैंने फिर भी डिसाइड किया आगे काम करना। इट्स बिकम लाइक अ रूल ऑफ द गेम फॉर मी, एंड आई हैव मेड माय वे अराउंड इट इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग देयर। मुझे मतलब अच्छा बुरा, मतलब ऑब्वियसली अगर हाथ से पिक्चर जाती है तो सबको बुरा लगता है, वो हम सब आउटसाइडर्स को शायद देखना एक बार एक्सपीरियंस हुआ होगा ऐसा, बट इट्स नॉट लाइक मुझे शॉक लगा कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, नहीं मुझे पता था ऐसा होगा, और उसके बावजूद मैं खुशी खुशी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, फिर भी मुझे फिल्में मिल रही हैं, तो मैं, मेरे पास कुछ कंप्लेन करने को नहीं है। देखो एक्सपेक्टेशन ना हो तो मज़ा भी नहीं है, मैं चाहती हूँ आप लोग एक्सपेक्टेशन रखें मुझसे, वरना फ़ायदा ही नहीं है काम करने का अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो फाइनली लोगों को एक्सपेक्टेशन होने लग गई है मेरे काम से, ये तो बहुत अच्छी बात है। एंशियस हूँ, नर्वस थोड़ी सी हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं हूँ क्योंकि पिक्चर देख चुकी हूँ और जानती हूँ कि अच्छी पिक्चर बनाई है हमने। बाकी एंग्जाइटी होना, थोड़ी बहुत नर्वसनेस होना हेल्दी होता है, नहीं तो मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए है, तभी मैं कहती हूँ आज का दिन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि सब मीडिया के लोग देखने वाले हैं मुल्क आज, और मैं होप कर रही हूँ कि दिन के अंत तक कुछ ऐसे मैसेजेस आएंगे जो मेरे को एक अच्छी, मतलब एक खुशी के साथ मैं सोऊंगी आज अपने बर्थडे पे। तो होप कर रही हूँ बेस्ट बर्थडे गिफ्ट होगा मेरा।
आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट द फिल्म. मैं तो अपनी सारी पिक्चरों के बारे में एक्साइटेड हूँ. मतलब कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं है जिसको मैं छोड़ सकती थी या थोड़े से कम एक्साइटेड हूँ जिसको लेके. बस इतना कहना चाहूँगी आज के दिन जब दिन शुरू हुआ और सुबह आपको मैसेज आता है अमिताभ बच्चन से बर्थडे विश करते हो, ऋषि कपूर से बर्थडे विश करते हो, मतलब कि भाई आपने कुछ तो हासिल करा है लाइफ में. जो आपको इन लोगों के बर्थडे विशेज आ रहे हैं, आई एम रियली ब्लेस्ड यू नो टू दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद देम. एंड आई थिंक जितनी बारी मिले इनके साथ मौका उतना कम है. दोनों बारी तो हो गया दोनों के साथ, मैं तो आगे के लिए भी तैयार हूँ. थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग. Take this out. Come. Come, see one, just picture with the team. Yeah. Guys, team.